आप देख रहे जनवार टाइम्स। इस समय में बाहा में तहसीलदार आवास के पास हूँ, जहाँ यूपी रोडवेज की बसें प्रवासी मजदूरों को लेकर के आ रही हैं। ऐसे ही यहाँ अभी अहमदाबाद से एक बस प्रवासी मजदूरों को लेकर आई है, जिससे उतरे हुए लोगों से हमने जानने का प्रयास किया तो ये समस्या निकल के आ रही है कि जहाँ ये रहते थे वहाँ ना तो इनको राशन मुहैया कराया जा रहा था, ना ही और कुछ सुविधाएं दी जा रही थी, और इन लोगों से बराबर किराया मांगा जा रहा था आवास का, जिस वजह से इन लोगों को अपने परिवार सहित यहाँ आना पड़ा है। आइए जानते हैं मजदूरों से क्या क्या समस्या। कहाँ रहती थी आप? अहमदाबाद। अब यहाँ कहाँ जा रही हो? वहाँ कोई काम वगैरह होता था क्या? नहीं, किसानी हम सब। अहमदाबाद क्या करते थे? ऑटो चलाते थे। अभी क्यों आए लौट के? अब वो तो सब बंद हो गए, सब रह रहे। यहाँ आप रहते थे वहाँ किराए से रहते थे? किराए से रहते हैं। तो मकान अभी खाली कर दिया? मकान खाली कर दिया, सब सामान नहीं छोड़ के आ रहे, क्या करें। बच्चे वगैरह भी साथ होंगे आपके? बच्चे वगैरह सब साथ में, कल से तो खाने को भी नहीं मिला, इधर आ रहे हैं 2 रुपए का बिस्कुट पकड़ा दिया जाओ। बच्चे आपके पढ़ने जाते थे? हाँ, पढ़ने जाते। अभी आप यहाँ आ गए, फिर कैसे लौट के जाओगे आप? जब भूखे मर रहे तो पढ़ाई कहाँ से होगी? बहुत सारी समस्या आ रही है, बहुत सारी समस्या है। उधर तो खाने का ठिकाना कुछ भी, खाने का भी ठिकाना नहीं है। आदमी हमारा लाचार है, ऑपरेशन का शरीर है, कमा लाता 2 पैसे उठा लेते, गरीब बंद होता। व्यवस्था कराई है हर व्यक्ति कराई है, जिसको मिल गया उसको मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला। तो सारे लोगों को नहीं दे रहे थे? ऐसे नहीं, सारे गरीब लोगों को दे रहे थे। जिसको मिल जाता वो छोड़ देता है। पराठा मिलेगा, छाछ मिल रही है, मतलब कुछ भी नहीं मिला उधर से। एक चाय तक तो मिली है मुझे, मटर की वजह से बुखार के मारे पड़ी ना। तो रास्ते में आए, रास्ते में मिला था खाने पीने? नहीं मिला रास्ते में, रास्ते में भी नहीं मिला। पानी हमने कहाँ से आए हो? किसके साथ आए हो? पापा के साथ। तो पापा वहाँ क्या काम करते थे? पापा क्या काम करते थे तुम्हारे? नौकरी करते थे। आप पढ़ने जाते थे? तो अभी आप यहाँ आ गए, वहाँ क्या कोई समस्या आ रही थी आपको? क्या क्या समस्या आ रही थी? बंद कर दिया। कहाँ से आए हो? अहमदाबाद। कहाँ जा रहे हो? गांव का नाम सपेरी। तो वहाँ से आए आप, तो वहाँ से क्यों लौट के आए? वहाँ से क्या काम करते थे? एमडब्ल्यू से। तो वहाँ क्या क्या समस्या आ रही थी आपको? पैसे लेते थे, खाना नहीं मिलता था मेरे को, 2 लाख रुपये से वहाँ होता। खाना क्यों नहीं मिलता था? पता नहीं। जिस जगह आप रह रहे थे उन्होंने व्यवस्था नहीं की थी? दिया था सेठ ने, व्यवस्था दिया था मेरे। फिर आप क्यों आए? फिर आए घूमने के लिए। इसका मतलब वहाँ कोई परेशानी नहीं थी आपको? परेशानी भी थी, खाने पीने कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था, इसकी वजह से यहाँ आई। और कौन कौन आया आपके साथ? हमारे भाई लोग हैं साथ में। अब कहाँ जाओगे? गाँव जाओगे। किससे जाओगे? बस से। तो वहाँ से आए पैसा वगैरह देना पड़ा या फ्री आए? नहीं नहीं, फ्री। जब बस में आपको बिठाला गया तो सैनिटाइज वगैरह किया गया था? थर्मल स्क्रीनिंग हुई थी? हाँ। खाने के लिए मिला था कुछ? हाँ मिला। अरे जाला हम पहले एंट्री करा, जाला एंट्री करा हम सब। मैंने बस मान लिया, चलो मैं उतर रहे पास का कहा ना। ओ एमपी वाले जाओ, एमपी जाएगी।
सही तो जाएगी। हेलो जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।